मंत्री महोदया और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और अपने मित्र बंधु, हमें एक अवसर प्रदान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जी के द्वारा कि हम प्रदेश में जाकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सीमाओं पर जाएं और वहां पर भारत के प्रति जो हमारी श्रद्धा भक्ति भावना होती है उसको हम वहां पर प्रदर्शित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 23 और 24 जुलाई को जो यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया था उस यूथ महापंचायत ने हमें वह अवसर दिया जहां पर हम राज्य और प्रदेश के युवाओं के साथ मिलकर के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके और नए आइडियाज को जनमानस तक पहुंचा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो अवसर हमें दिया है यह एक मील का पत्थर साबित होगा और नए मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ साथ प्रदेश के साथ बाहर के युवाओं के साथ हमारे विचारों को आदान प्रदान करने में मदद करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके द्वारा जो युवा पोर्टल बनाने का जो सुझाव दिया गया है वह वाकई में एक क्रांतिकारी साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी का एक सपना होता है, हम नौनिहालों का, कि मामा हमें कोई यात्रा कराए और इस यात्रा में माँ की महती भूमिका होती है और माँ का जो महती भूमिका होती है उसमें हमारी मंत्री महोदया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कि उनके भाई स्वरूप मामा जी जो हमारे हैं उनके किए गए शब्दों को चरितार्थ करते हुए हमें उन जगहों पर भेजने का अवसर दिया है जहां पर हर किसी के लिए जा पाना संभव नहीं हो पाता है और उस जगह पर जाकर के हम उन लोगों के साथ उन सेना के वीरों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे जहां हर कोई नहीं जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये अवसर हमें दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं कि हम देश और प्रदेश के विकास में हर संभव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पर नया मौसम बदलने वाला है।